ये कहानी शर्म पर बनाई गई है। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग आदमी की आँखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज़ बताए और साथ में ये भी कहा, अगले मुआयने तक नमाज में झुकने से परहेज़ करें या फिर इशारे से नमाज पढ़ लें। घर आ जाने के बाद उस बुज़ुर्ग ने खाना पीना कम कर दिया। उसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आँखों में दर्द होता हो, इसलिए डॉक्टर ने उनके घर वालों को कहा कि उसको नरम चीज़ें खिलाया करें। एक दो दिन तक घर वालों ने देखा, मगर बुज़ुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली ना लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुज़ुर्ग से पूछ लिया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे, डॉक्टर ने तो सजदे करने से मना किया था, ना कि खाना खाने से। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिज़्क खाने में मुझे शर्म आती है।